प्रस्तुत है BEHS सुमति एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित संस्कृत संगोष्ठी, जिसके मंगलाचरण का स्वर दे रहे हैं मोहित जैन शास्त्री। और हमारे वक्ता इस प्रकार हैं संचिता निगम क्लास 6 से, जो कि प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगी। दिव्या मिश्रा, जो कि संस्कृत भाषा का महत्व बतलाएंगी। सत्यम अग्रवाल, आज के समय में संस्कृत भाषा की उपयोगिता। और अभय अग्रवाल, संस्कृत दिवस मनाने का तरीका। प्रस्तुत है मंगला चरण। या कुंदेन्दु तुषारु हारु धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारु सार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्यांधकारापहा। हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं, पद्माशने संस्थितां, वंदेतां परमेश्वरी भगवती, बुद्धि प्रदां सारदां, बुद्धि प्रदां सारदां। प्रस्तावना। हमारे भारत देश में मातृभाषा संस्कृत को सम्मान देने के लिए श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं का एक और मुख्य त्योहार रक्षा बंधन भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस पूर्णिमा हमारे ऋषि मुनियों के स्मरण की तिथि भी मानी जाती है। विस्तृत संस्कृत साहित्य के वे ही जनक माने जाते हैं, इसलिए संस्कृत दिवस ऋषि पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। इस दिन सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा के विद्वान कवि और लेखक अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम दिव्या मिश्रा है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताने जा रही हूँ। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। ये कई सालों से हमारे समाज को समृद्ध बना रही है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति के विरासत का प्रतीक है। ये ऐसी कुंजी है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में और हमारे धार्मिक संस्कृति परंपराओं में के असंख्य राशियों को जानने में मदद करती है। भारत के इतिहास में सबसे अधिक मूलवान शिक्षा प्राप्त सामग्री शास्त्रीय भाषा संस्कृत में ही लिखी गए हैं। संस्कृत के अध्ययन से, विशेष रूप से वैदिक संस्कृत के अध्ययन से, हमें मानव इतिहास के बारे में समझाने और जानने का मौका मिलता है। और ये प्राचीन सभ्यता को रोशन करने के लिए भी सक्षम है। हाल के अध्ययनों में यह पाया गया है कि संस्कृत हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। थैंक यू। संस्कृत दिवस मनाने का तरीका। सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने इस कार्यक्रम से स्कूल कॉलेज को भी जोड़ती है। स्कूल कॉलेज में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। शहर के सभी स्कूलों के बीच संस्कृत भाषा में निबंध, श्लोक, वाद विवाद, गायन, पेंटिंग कप की प्रतियोगिता होती है। कुछ सामाजिक संस्थाएं व मंदिरों के द्वारा भी इस दिन कार्यक्रम कराए जाते हैं। संस्कृत की रचना, श्लोक, पुस्तकों लोगों में बांटे जाते हैं। सरकार के द्वारा संस्कृत की भाषा को बढ़ाने के लिए किसी नई योजना की घोषणा होती है। मैं अभय अग्रवाल, BEHS सुमति एकेडमी से
आपको संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सत्यम अग्रवाल है। आज मैं आपको संस्कृत दिवस पे संस्कृत भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत भाषा को देव भाषा और सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। विश्व में अधिकतर आधुनिक भाषाओं का स्रोत संस्कृत को ही माना जाता है। वैदिक काल में जन जन की भाषा का श्रेय प्राप्त इस भाषा को वैदिक भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा की प्रथम ज्ञान रचना ऋग्वेद मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे तीनों वेदों की रचना भी इसी भाषा से हुई। काव्य रचना व्याकरण नियमों की दृष्टि से इस भाषा को पूर्ण भाषा का दर्जा भी दिया गया है। आज के समय में इस देव भाषा के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है, इसी से हमारी विरासत का उत्थान हो सकता है। धन्यवाद।